प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बेमेतरा जिले में प्रथम आगमन हुआ। इस दौरान बीजेपी जिला अध्यक्ष ने डिप्टी सीएम विजय शर्मा के बेमेतरा आगमन पर जमकर स्वागत किया। जिले में प्रथम आगमन पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने 18 लाख गरीब परिवार के आवास को रोक दिया था, जिसकी स्वीकृति मुख्यमंत्री के द्वारा कर दी गई है। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि किसानों की धान की उपज को 3100 रुपये प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। गरीबों को जिनके आवास को पूर्ववर्ती सरकार ने रोक रखा था, उसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। 18 लाख गरीब परिवारों के लिए आवास की स्वीकृति दी। मैं सोचता हूँ कि ये पूरा काम शीघ्र ही प्रारंभ भी होगा और साल डेढ़ साल के अंतर्गत पूरे आपको 18 लाख आवास बने मिलेंगे। किसानों को कब मिलेंगे 3100? इस सत्र में जो किसान धान बेच रहे हैं उनका 3100 के दर पर भाव जिस तरीके से वादा था वो पूरा किया जाएगा। शराबबंदी को लेकर के क्या रणनीति बनेगी आप? शराबबंदी ये भाजपा के कहीं घोषणा पत्र में नहीं था, परंतु जो गांव-गांव में अवैध शराब बिकते हैं निसंदेह उसको बंद किया जाएगा, ऐसा निर्देश पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जारी कर दिया।